एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि आल थ्रो क्या है, यानी हमें कब बोलना चाहिए आल थ्रो। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आल थ्रो का दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है शुरू से लेकर अंत तक, यानी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ। जैसे अगर आपको कहना हो पूरी रात, या पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा वक्त या पूरा हफ्ता, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे आल थ्रो। अगर हम बात इसके दूसरे मीनिंग की करें, तो इसका दूसरा मीनिंग होता है हर जगह या हर हिस्से में, यानी इन एवरी पार्ट ऑफ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो शहर के हर हिस्से में, या गांव के हर हिस्से में, या घर के हर हिस्से में, या देश के हर हिस्से में, यानी किसी भी जगह के हर पार्ट में या हर हिस्से में, यानी हर जगह, तो वहां पर आप कहेंगे आल थ्रो। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बच्ची पूरी रात रोई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बेबी क्राइड ऑल थ्रो द नाइट। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला ऑल थ्रो द नाइट, जिसका मीनिंग था पूरी रात, यानी जब रात शुरू हुआ तब से लेकर जब रात खत्म हुआ तब तक वह बच्ची चीखी या रोई। अगर आपको कहना हो वे पूरा दिन टीवी देखते रहे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी ऑल थ्रू द डे। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस से बोला ऑल थ्रू द डे, जिसका मतलब हुआ पूरा दिन, यानी जब से दिन शुरू हुआ तब से लेकर जब दिन खत्म हुआ तब तक। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। वे लोग पूरी रात काम करते रहे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे केप्ट ऑन वर्किंग ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात वे लोग काम करते रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि आल थ्रो का मतलब होता है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ, यानी पूरा या पूरी। यहाँ मैं आपको बता दूँ आल थ्रो का एक और मीनिंग होता है, जो होता है हर जगह का या हर हिस्से का। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो शहर के हर जगह का सड़क खराब है, या शहर के हर जगह का रोड खराब है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रोड कंडीशंस आर बैड ऑल थ्रू द सिटी, यानी पूरे शहर का सड़क बहुत खराब हालत में है या बहुत बुरा कंडीशन में है। अगर आपको कहना हो पूरे शहर में बिजली की समस्या है या बिजली की दिक्कत है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ऑल थ्रू द सिटी। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला ऑल थ्रू द सिटी, जिसका मतलब हुआ सिटी के हर हिस्से में या शहर में हर जगह। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि ऑल थ्रो का पहला मीनिंग होता है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ, यानी कम्प्लीटली या पूरा, और दूसरा मीनिंग होता है इन एवरी पार्ट ऑफ, यानी हर जगह या हर हिस्से में।